सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के जरिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर डेफिनेशन को रीड करेंगे, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है, तो आप सप्लायर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं यार मुझे 100,000 रुपये का रॉ मटेरियल दे दो। तो वो कहता है ठीक है, आप ले लें रॉ मटेरियल। आप उसे कहते हो यार मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे जो अपनी सेल है ना, वो मतलब आपने जो अपनी प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल है उधार पे दे दो। तो वो कहता है चलें ठीक है, मैं आपको उधार पे दे देता हूँ, पर आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसको साइन करना होगा। अभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना, जो सेलर होता है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इशू करता है, एक डॉक्यूमेंट लिखता है, उसके अंदर सारी टर्म्स लिखता है कि आपने इतनी तारीख को मुझे पैसे देने हैं, इतने टाइम में मुझे आपने अपनी पैसे की पेमेंट देनी है, डेट एक सेट कर देता है। और वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो बायर है लाइक आप खरीदने गए प्रोडक्ट, आपको दे देता है। तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, आप कहते हो ठीक है यार, ये जो इसके अंदर टर्म्स कंडीशन लिखी हैं मैं इसको फॉलो करता हूँ, मैं इसके ऊपर एग्री करता हूँ, मैं इतनी तारीख को आपको पैसे दे दूंगा, एक्सेप्ट कर लेते हो, और आप खुद भी साइन करते हो, उसके भी साइन हो जाते हैं। तो फिर आप लास्ट पे उसको जो तारीख मुकर्रर की गई है उसके ऊपर उसको पैसे दे देते हो। तो इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके जो क्रेडिट सेल या क्रेडिट के टाइम काम आता है। लाइक आपके पास पैसे नहीं है तो फिर सेलर इसको एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज आपको साइन करवा लेता है, एक डेट सेट करवा लेता है। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिक होता क्या है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप उधार पे चीज़ें खरीद रहे हो, तो आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर दिया है जिसके मुताबिक जो एक सेलर है जो आपको उधार पे चीज़ें दे रहा है वो एक किस्म का सेटिस्फाई हो जाता है। उसे पता हो जाता है यार इस बंदे ने साइन किए हैं, ये मुझे इस तारीख को पैसे दे देगा। तो ये बेनिफिट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। बिल ऑफ एक्सचेंज काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होता है। अभी ये देखें, जो बंदा अभी ये सेलर जो है ना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इशू कर रहा है, तो ये क्या होता है, ये ड्रॉअर होता है, और आपको इशू किया जा रहा है, आप बायर हैं तो आप जो है ना ड्राई हैं, ड्राई। और इसके अंदर थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल इनरोसमेंट आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो सेलर है, आप उसको पैसे देते हैं जो तारीख सेट की गई है बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो वो कह देता है मुझे नहीं दें, आप किसी तीसरी पार्टी का नाम बता देता उसको दे दें। तो ये भी चीज़ इसके अंदर आ जाती है। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है, और अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। लाइक सेलर जो है इसमें एक किस्म का ऑर्डर दे रहा होता है, बता रहा होता है कि आपने इतनी तारीख को मुझे पैसे दे देने हैं, मैं आपको ये प्रोडक्ट दे देता हूँ, वो एक्सेप्ट कर देता है। इसके अंदर कोई कंडीशंस नहीं होती लाइक कि अगर आप मुझे जल्दी पैसे देंगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, ये अनकंडीशनल होता है। और मैंने आपको वही बात बताई कि जो पार्टी इशू कर रही होती है उसको ड्रायर बोलते हैं, और जो पार्टी ले रही होती है लाइक जो बायर होता है, आप बायर हैं तो आप क्या हैं, ड्राई हैं। और इसमें एक फिक्स डेट सेट कर दी जाती है, फिक्स टाइम पीरियड सेट कर दिया जाता है, जिस टाइम पे वो उस गुड्स या सर्विसेज की जो उसने रिसीव की है उसकी पेमेंट कर देता है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।